किसान लगातार अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धान लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की है। तो वहीं पहले सरकार कह रही थी कि 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद अनाज मंडियों में शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर बोला जाता है कि हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 11 अक्टूबर से होगी, जिसके बाद से किसानों में भारी रोष है। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों ने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे यानी कि जीटी रोड को जाम कर दिया। किसानों ने साफ कहा कि जब तक धान खरीद शुरू नहीं की जाती, ये जाम यूं ही बरकरार रहेगा। ऐसा है, हमारी 25 दिन से 20 दिन से हमारी डेयरियां जो जीरी की मंडियों में आई पड़ी है। सरकार कभी कहती है कि 25 तारीख को खरीद करेंगे, कभी कहते हैं 1 तारीख को, कभी कहते हैं 11 तारीख को। रात बारिश पड़ी है कुरुक्षेत्र एरिया में, सारा हमारा धान भीग चुका है। इसका जो जिम्मेवार है वो मंडी प्रशासन है। हमारी सुक्की डेयरियाँ यहाँ पर आई थी, हमने सुक्की आड़तियों का मॉइस्चर भी दिखाया था, 17 पॉइंट कुछ मॉइस्चर आ रहा था, लेकिन रात बारिश की वजह से वो भीग चुकी है। हमारी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी उठाया जाए। कब तक जाम रहेगा क्या? जब तक ये हमारी खरीद शुरू नहीं होती, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। कल का MP MLA घेराव करने, कल अगर आज यहाँ सुनवाई नहीं होती तो कल MLA MP के घर के आगे जीरी घेर के फिर प्रदर्शन करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे, उनका घेराव करेंगे, बंदी बनाएंगे, जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी खरीद शुरू नहीं। जाम तो ये भाई साहब 1 महीने से हमारी जीरी पड़ी है मंडियों में, और रात बरसात ने कम से कम 20% जीरी ख़त्म कर दी। उसका मुआवजा कौन देगा? मैं, अगर सरकार हमारी जीरी पहले खरीद लेती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। और आज भी CM के कहने के बावजूद भी भाई 3 तारीख से जीरी खरीद शुरू है, आज तक एक दाना नहीं खरीदा गया। झूठे आश्वासन देते हैं सभी। कहा गया था कि 3 तारीख से खरीद शुरू होगी और अब सेलर माल मिल के जो है वो, लेकिन सेलर वालों ने आज तक एक भी दाना नहीं खरीदा जी। झूठे आश्वासन देते हैं, वो कहते हैं 100 रुपये घट ले लो और दे दो। सूदे की दुकान बिक्री है, पवन सैनी की दुकान बिक्री है, इन दुकान बिक्री, दो दुकानों पे। जब से किसानों ने जीटी रोड पर जाम लगाया है, तब से जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हरियाणा में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लिहाजा किसान धान की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। पहले 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होनी थी, वहीं सरकार ने अब 11 अक्टूबर से धान की खरीद का नोटिफिकेशन निकाला है। कई कई दिन से किसानों की फसल मंडियों में पड़ी है, सरकारी खरीद के लिए कोई भी नहीं आ रहा, जिससे किसानों में भारी रोष है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।